ओके, आज हम स्टूडेंट्स एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के अंदर चैनल जो है वो बिल्ट इन होता है विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल। जो सोर्स और ड्रेन रीजन हैं उनके दरमियान एक चैनल एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए हमें VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर हम अप्लाई नहीं भी करते जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में तो चैनल मौजूद होने की वजह से कैरियर्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही अगर आप ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो चार्जेस जो है सोर्स से मूव करके चैनल से होते हुए ड्रेन पे जाएंगे और ड्रेन से फिर दोबारा से आउटर लूप के थ्रू सोर्स पे आ जाएंगे तो करंट फ्लो करेगा विदाउट एनी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस गेट एंड सोर्स। लेकिन एक और टाइप है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट जिसे हम कहते हैं, उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आ रही है कि इसमें चैनल जो है वो पहले से बना हुआ नहीं होता, बिल्ट इन नहीं होता। सो अनटिल एंड अनलेस यू अप्लाई द गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मर्जी से जब भी चाहें चैनल बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं करते और भले आप ड्रेन टू सोर्स पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करें, तो चूँकि पाथ ही मौजूद नहीं है तो यहाँ के जो जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको कोई फ्लो का पाथ ही नहीं मिल रहा कि वो फ्लो करके ड्रेन तक जा सकें। तो इस लिहाज से जब आपका VGS ज़ीरो होगा तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में कंडक्शन कुछ भी नहीं होगी। फिर क्या होता है कि आप VGS अप्लाई करते हैं, VGS अप्लाई करने के बाद यहाँ पे चैनल क्रिएट होता है जिसको आप इंड्यूस चैनल कहते हैं। फिर आप कैपेबल होते हैं कि आप इस चैनल को यूज़ करते हुए कंडक्शन करवा सकें। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन चैनल सॉरी मॉसफेट एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट एंड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सो व्हाट हैपेंस जब आप क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं VGS, तो एक ख़ास पोटेंशियल तक जाके आपका चैनल क्रिएट होता है, उसको आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे आपको जो थ्रेशोल्ड वोल्ट नज़र आ रहा है वो 2 वोल्ट्स तक है। तो जैसे ही 2 वोल्ट्स आपके क्रॉस होंगे तो आपका चैनल बन जाएगा और फिर आपकी जो कंडक्शन है वो स्टार्ट होगी। सो अप टू 2 वोल्ट्स यू कैन सी ओवर हेयर, अप टू 2 वोल्ट्स देयर इज नो एनी कंडक्शन, ID ज़ीरो है। अब वाई एक्सिस देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में बिल्ट इन पोटेंशियल नहीं होता, तो इसलिए हमें पहले से चैनल क्रिएट करने के लिए VGS अप्लाई करना पड़ता है। कोई ख़ास पोटेंशियल की वैल्यू जिसको आप वी थ्रेशोल्ड कहते हैं, जब तक वो अटेन नहीं हो जाती तब तक आपका चैनल क्रिएट नहीं होता। जब आप VGS को वी थ्रेशोल्ड के बराबर ले जाते हैं तो आपके पास चैनल क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही चैनल क्रिएट होगा तो आपके पास कंडक्शन शुरू हो जाएगी और आपके पास ID की वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी फॉर हायर वैल्यू ऑफ VGS। तो ये जो ट्रांसफ़र कर्व है इसकी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव एक्सिस पे बन रही है क्योंकि आप VGS पॉजिटिव में अप्लाई कर रहे हैं और एनहांसमेंट टाइप में VGS इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VGS अप टिल 2 वोल्ट्स द कंडक्शन इज ज़ीरो, सो आपके पास कोई भी करंट की वैल्यू नहीं आ रही। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपने क्रॉस किया, VGS 2 वोल्ट से 3 वोल्ट्स पर ले गए हैं, तो आपकी कंडक्शन स्टार्ट हुई है। तो जैसे जैसे आप VGS बढ़ाते जाएंगे गेट टू सोर्स वोल्टेज, उतना ही ज़्यादा चैनल के अंदर कैरियर्स बनेंगे और जो कि आप कंडक्शन के लिए उनको VDS अप्लाई करने के बाद उसको आप कलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है ये कर्व्स हैं डिफरेंट VGS के ऊपर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके,
इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की, ये डिफरेंट है फ्रॉम द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है दैट दिस इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू के टाइम्स वी जी एस माइनस वी थ्रेश होल्ड स्केयर, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द ड्रेन करंट। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेशन दैट इज यूज फॉर द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। यहाँ से आप के की वैल्यू, के कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, के विल बी इक्वल टू आई डी ऑन ओवर वी जी एस ऑन माइनस वी थ्रैश होल्ड। ठीक है, वी थ्रैश होल्ड आपको गिवन होगा, कोई भी ट्रांजिस्टर जब आपको गिवन होगा तो आपको उसकी डाटा शीट में ये वैल्यू गिवन होगी कि इसका जो थ्रैश होल्ड वोल्टेज है वो लेट से 2 वोल्ट है या 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, वो आपको उसकी डाटा शीट के पास से पता होगा। और वी जी एस ऑन की वैल्यू भी आपको एक ख़ास पॉइंट गिवन होता है डाटा शीट में, जिसमें ये 2 पॉइंट्स दिए होते हैं कि आप इतना वी जी एस अप्लाई करें तो आई डी ऑन आपको इतना मिलेगा, तो ये पॉइंट भी आपको डाटा शीट से मिल जाएगा। तो जब आप इन चीज़ों को पुट करते हैं तो आपके पास के की वैल्यू आ जाती है, वो के की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी जी एस के ऊपर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई डी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये एक एन चैनल जे एफ ई टी एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट आपको दिखाया गया कि इसमें दोनों आपके पास ड्रेन और सोर्स जो हैं वो पी टाइप मटेरियल्स हैं, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे पी चैनल क्रिएट करना है। पी चैनल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल हो जाएं और डेफिशिएंसी हो जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम होल्स कहते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पी चैनल क्रिएट हो जाएगा। इसको मज़ीद समझ लें कि आप यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ताकि ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो है इस सबस्ट्रेट में डाउनवर्ड मूव करेंगे राइट साइड पे, तो पीछे जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम होल्स कहते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो आपका ये पी चैनल बढ़ता जाएगा जब जैसे जैसे आप नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे वी जी एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी जी एस जैसे ही आप नेगेटिव में अप्लाई करते जाते हैं तो चैनल क्रिएट होता जाता है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कि 2 वोल्ट्स है यहाँ पे जाके चैनल क्रिएट हुआ, तो उसके बाद जो है चैनल क्रिएट होने के बाद कंडक्शन स्टार्ट हुई। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वी जी एस जैसे जैसे आप माइनस में बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास कंडक्शन की वैल्यू, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपका चैनल जो है उसके अंदर होल्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी जैसे ही आप वी जी एस को माइनस में इंक्रीज करते जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स विच आर यूज फॉर एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स। इनकी डाटा शीट है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको के की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट वी जी एस ऑन और आई डी ऑन दिए होते हैं, आई डी एस एस की वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो इनको आप यूज़ करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं और के की वैल्यू फिर आप इक्वेशन में पुट करने के बाद उसकी डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई डी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई वी जी एस निकाल सकते हैं। ओके, ये एक समरी टेबल है कि आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स, उन दोनों के लिए इक्वेशन सेम है क्योंकि दोनों की जो फिज़िकल कंस्ट्रक्शन है वो सेम है, जबकि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर आपकी जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो भी डिफरेंट है, ट्रांसफ़र कर्व इसे हम कह रहे हैं, और उसकी इक्वेशन भी डिफरेंट है बिकॉज इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के अंदर आपका बिल्ट इन पोटेंशियल नहीं होता, सॉरी बिल्ट इन चैनल नहीं होता, जबकि आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में और डिप्लीशन टाइप दोनों में चैनल बना हुआ होता है, ऑलरेडी बिल्ट इन होता है।
इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ब्लू शेडेड रीजन में दो वैल्यूज दिखाई गई हैं, आई डी एस एस और वी पी, और इसी तरह से डिप्लीशन टाइप में भी आई डी एस एस और वी पी ये आपको गिवन होती हैं। इस डिवाइस की करेक्टरिस्टिक जो रेटिंग्स हैं वो आई डी एस एस और वी पी की शक्ल में दी होती हैं, तो आप इस इक्वेशन में आई डी एस एस और वी पी पुट कर सकते हैं। जबकि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के अंदर आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया होता है और एक ऑन पॉइंट दिया होता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि किसी भी ट्रांसफर कर्व का कोई एक पॉइंट जिसका करस्पॉन्डिंग डायोड करंट और करस्पॉन्डिंग वी जी एस वोल्टेज वो आपको मालूम होता है, ताकि आप के की वैल्यू निकाल सकें यूजिंग दिस इक्वेशन। जब आप के की वैल्यू डिटर्मिन कर लेंगे तो फिर आप इस बेसिक इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर आप वी जी एस के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आई डी की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालने के काबिल